स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, जिनको हम प्यार से बुलाते हैं आरसीस। अब बेटा, सबसे पहले मैं इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आपके लिए एक मिथ तोड़ना चाहूंगी। आपने कई लोगों को बोला होगा कि जब आप आरसी सॉल्व करते हैं तो आप सबसे पहले पैसेज पढ़ने से पहले आप क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस। ये चीज आपने सुनी होगी बहुत बार कि रीडिंग जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, असल में उसमें आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए ताकि आप लोग उन्हीं चीजों पर कॉन्सेंट्रेट कर पाए जिसका रिलेशन पूछे गए क्वेश्चन से है और आपका टाइम कम खर्च हो। अनफॉर्चुनेटली बेटा, मेरे को आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन दिस इज अ मिथ विच मस्ट बी ब्रोकन। क्योंकि बेटा, जो आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी बताई जा रही है जिसके अंदर आपसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के लिए कहा जाएगा, वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है अगर आपके पास एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। और हम जानते हैं कि ऐसा कभी भी हम लोगों के साथ नहीं होने वाला है। हमसे एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कम से कम 7, 5 या 10 तक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और जब हम इस हालात में जब हम क्वेश्चंस को पहले रीड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपना कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उन्हीं वर्ड्स पे लगाएंगे जो उन क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसका क्या रीजन होगा, इससे क्या हमारा रिजल्ट आएगा कि हम जो पूरा जो बाकी हमारा पैसेज है उसको हम कर सकते हैं इग्नोर। और जब हम अब पैसेज सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि असल में कई बार क्वेश्चंस वो नहीं होते जो कि हमसे पूछे जाते हैं, या उनको रिफ्रेज इस तरीके से करा जाता है कि हमसे पूछी कोई और चीज जाती है और हमें आंसर किसी और चीज का देना होता है। तो मैं आपको सबसे पहले एडवाइस करूंगी, कभी भी भूल कर भी ये तो करिएगा मत कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लें, हमेशा पहले पैसेज पढ़ेंगे। लेकिन पैसेज हम किस तरीके से पढ़ेंगे, पैसेज हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं स्किम रीडिंग। स्किम रीडिंग का मतलब होता है, कई लोगों को लगता है स्किम रीडिंग का मतलब होता है कि सिर्फ है ना एक नजर घुमा लो। अब जब आप इतनी फास्ट फास्ट पढ़ते हैं एक नजर घुमाने में और आप इंग्लिश में कमजोर हैं, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आप पैसेज तो पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आता है। असल में जब मैं आपसे स्किम रीडिंग कहती हूं तो मैं आपसे कुछ टिपिकल चीजें पैसेज के बारे में समझने के लिए कह रही हूं। उनमें से सबसे पहली चीज है पैसेज की पर्पस। पैसेज किस चीज के लिए लिखा जा रहा है, क्या करने को कह रहा है, या फिर पर्पस किस पर्पस से, यानी किस एम से इस पैसेज को लिखा गया है, ठीक है। राइटर किस एम से इस पैसेज को लिख रहा है। फिर टोन, पैसेज के कुछ वर्ड्स आपको पता चलेगा कि पैसेज जिस भी टॉपिक के बारे में लिखा जा रहा है उस टॉपिक को लेकर राइटर की क्या सोच है या राइटर का क्या अपना खुद का ओपिनियन है। फिर फाइनली मेन आइडिया भी, क्योंकि पैसेज किस बारे में है एग्जैक्टली, या मेन थीम पैसेज को लेकर। फिर उसके लॉजिकल चीजों के बारे में। अब लॉजिकल चीजों के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आएंगे कि अगर इस पैसेज के अंदर कोई थर्ड पैराग्राफ या कोई नेक्स्ट पैराग्राफ होता तो वो कैसे होता, या ऐसा कोई, या आप इस पैसेज के थ्रू कौन से क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो इसको भी जरा अपने दिमाग में रखिए स्किम करते वक्त कि इस पैसेज से आप क्या चीजें जान रहे हैं। और इसके अलावा पैसेज की डिटेल्स ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। मतलब जब आप स्किम करेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है डिटेल, बिल्कुल भी कभी भी डिटेल्स रटने की कोशिश मत करिएगा। लेकिन हाँ, इसका आप जरूर ख्याल रखिएगा क्योंकि कोई टिपिकल चीजें होंगी जो आपकी नजर में आ जाएंगी और होपफुली वो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ट्रिगर करेगा ताकि आपको पता होगा कि एग्जैक्टली कहां पर आपको ढूंढना है उस क्वेश्चन का आंसर। फिर ऑफ कोर्स पैसेज का स्ट्रक्चर, क्योंकि हम जानते हैं पैसेज हमें सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं देता है, हमको अलग अलग पैराग्राफ देता है। तो हमको ये समझना होगा कि आखिर हर पैराग्राफ क्या ऐड कर रहा है इस मेन आइडिया पे या उस पर्पस के अंदर, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि स्ट्रक्चर किस तरह से इस मेन आइडिया और पर्पस को बिल्डअप कर रहा है। स्किम करते वक्त हमें यह भी देखना है कि जो बोला जा रहा है उसकी इंप्लीकेशंस क्या लग रही हैं, ठीक है। यानी जो बोला जा रहा है उससे और क्या चीजें हम कंक्लूड कर सकते हैं इन चीजों के, जो चीजें हमें ऑलरेडी पैसेज में बताई जा रही है उनके अलावा। और फाइनली सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन। अब बेटा ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, स्पेशली अगर जैसा हमें सुनने में आ रहा है हमारे सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही इंग्लिश के सेक्शन में आए तो किसी पेपर के अंदर। सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली होता है सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन बताना, या एक सेंटेंस का जो उसके सेंटेंस उससे जो पहले आया है या जो सेंटेंस उसके बाद आया है उसके रिलेशन बताना। अब दो तीन तरीके के रिलेशन बन सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यस। उसके अलावा हमारे एक और तरह का जो बहुत ज्यादा आता है वो एग्जाम्पल और आइडिया का रिलेशनशिप, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट
कि एक हमारा एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का इफेक्ट है या कॉज है, या उसके अलावा एक सेंटेंस दूसरे एग्जाम दूसरे दूसरे सेंटेंस का एग्जाम्पल प्रूव कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब इन सब चीजों में जो हमें ध्यान देनी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप पहली बार पढ़कर ज्यादा क्लियरली नहीं बता सकते, एंड दैट्स फाइन। मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप इनमें से जितनी चीजें एक साथ कर सकते हैं एक रीडिंग में, उतनी करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि कम से कम आपके पास पर्पस, टोन, एक मेन आइडिया और कम से कम स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाए। लॉजिकल वाला पार्ट आप क्वेश्चंस पढ़ने के बाद कर सकते हैं। डिटेल्स जितनी आपको याद रहे उतनी अच्छा, ज्यादा इस पर अपना सर मत खपाइएगा, बिकॉज हमको टाइम का भी ख्याल रखना है। ठीक है, और इसके अलावा सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन आप तब मत करिएगा जब आप रीड कर रहे हैं, बल्कि तब करिएगा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर वो सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन के बारे में क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपसे ये बोला जाएगा कि इस सेंटेंस का कहां पे क्या मीनिंग है या इसका कंटेक्स्ट क्या है। तो प्लीज आप तभी इस चीज पे ध्यान रखिएगा, और इंप्लीकेशन के बारे में भी आपसे यही कहूंगी। एक और हेड्स अप जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाने से पहले, कि क्या होता है, हम लोगों की इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं होती मोस्टली, तो यू नो आइडियली मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि आप अपनी रीडिंग सुधारिए, रीडिंग की हैबिट में जाइए, ताकि आपकी ये खतरनाक चीज जो कि हम कहते हैं वोकैबुलरी, यस, ये सुधर सके। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड अ वाइड रेंज ऑफ वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश, काफी लंबी ज्यादा बहुत सारे वर्ड्स है उसके अंदर, तो कोई भी इस दुनिया में अभी तक मैं नहीं मिली हूं जिसको हर एक इंग्लिश का वर्ड आता हो। अब कभी ऐसा हो कि आपके पास कॉम्प्रिहेंशन में आप पढ़ रहे हो और आपको कोई ऐसा वर्ड आए जो आपको समझ नहीं आए, तो प्लीज उस वर्ड को उस टाइम के लिए इग्नोर कर दीजिएगा। हमें कम वक्त में कॉम्प्रिहेंशन से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी है। जो इंफॉर्मेशन आपको नहीं समझ में आ रही है, जब तक आपसे उस इंफॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, इट्स बेस्ट कि आप उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दें। तो अगर आपको सब चीजें समझ में आ गई हैं, तो हम अब धीरे धीरे अपने कॉम्प्रिहेंशन की तरफ जाएंगे। अब जो हमें पहला पैसेज दिया गया है, अगर हम उसे रीड करें तो हमें पता चलेगा कि पैसेज है टेक्स्ट बुक्स के बारे में, स्पेसिफिकली कि टेक्स्ट बुक के अंदर किस तरीके से बायस को यूज करा जाता है या किस तरह से प्रेजुडाइजेस बन सकते हैं अगर उनको इम्पार्शली ना लिखा जाए। फिर इस जो इसका जो राइटर का जो ये मेन आइडिया है इसको डेवलप करने के लिए वो हमारे को एग्जाम्पल देगा नेटिव अमेरिकन का। नेटिव अमेरिकन के बारे में हमें राइटर बताता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो टेक्स्ट बुक है वो हमेशा एथनोसेंट्रिक है, या फिर यूरोपियन कल्चर को हमेशा बड़ा चला के बताने वाली, या फिर अगर हम कहें कि ये यूरोपियन लोगों की नजर से है। ठीक है, नेटिव अमेरिकन के लिए इन टेक्स्ट बुक्स के अंदर कोई भी जस्टिस नहीं है, या नेटिव अमेरिकन को हमेशा खराब राइट में बताया जाता है, या अगर मैं कहूं तो नेटिव अमेरिकन आर ऑलवेज इन दीज टेक्स्ट बुक्स इंफीरियर टू यूरोपियन सेटलर्स जो वहां पर बाद में आए। ठीक है, अब यहां पर हमारे को फिर राइटर आगे क्या बता रहा है कि इस बात पर कि क्या ये टेक्स्ट बुक्स एक स्टूडेंट की या एक बच्चे की नजरिए में जिस तरह से वो किसी कल्चर को देखता है चेंज कर सकती है, उसके बारे में कई रिसर्चेस करी गई है। तो उनमें से एक रिसर्च कहती है कि नहीं, हमारा जो बच्चा है वो हाई स्कूल तक इतना स्मार्ट होता है कि वो किसी भी प्रेजुडिस, किसी भी स्टीरियोटाइप, किसी भी बायस को समझ जाए जो टेक्स्ट बुक में हो सकते हैं, और अपनी खुद की चीजों पर डिपेंड करना शुरू करे उन चीजों पर जो वो देखता है। ठीक है, लेकिन और भी रिसर्चर्स ये कहते हैं कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो जिस तरह से बच्चे को एक कल्चर को इंट्रोड्यूस करा जाता है या जो चीज वो टेक्स्ट बुक में पढ़ता है उससे हो सकता है कि बच्चे की पूरी जिंदगी उस चीज के बारे में वही सोच हो। और ये हम लोग भी जानते हैं अगर हम बात करें तो कि किस तरीके से हम जो टेक्स्ट बुक में स्कूल में पढ़ते हैं वो हम लोगों को अनकॉन्शियसली किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म करता है या उसकी तरफ हमारा झुकाव कर सकता है या हमारे को उससे रिपल्शन फील करा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे को ये हमारा सेंटेंस है, तो हमें पता है कि इसका मेन आइडिया है ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक्स के बायस के बारे में, यस। फिर हमारे को पता है इसका पर्पस, ये हमारे को जताना या ये हमारे को पॉइंट आउट करना कि टेक्स्ट बुक्स में कई चीजें गलत लिखी हो सकती हैं और हमको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फाइनली अगर हम टोन की बात करें तो हमें टोन देखकर ही पता चल रहा है कि जो राइटर है उसको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता कि ये सब हमारी टेक्स्ट बुक में हो रहा है। हमें ये कई जगह हमें ये आइडिया कैसे मिलता है, हमें आइडिया इस तरह से पता चलता है कि ही कंटेंट लाइक कंटेंट, ठीक है, और हमें पता है कि इसने ना ही हमारे को सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट दिया है, वन इसकी कंटेंशन जो है
यस, कंटेंशन का याद है आपको, हमने एक मीनिंग करा था बोन ऑफ कंटेंशन, यानी वो जो आइडिया यहाँ सामने रख रहा है उसके खिलाफ क्या आइडिया है कि ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक्स अच्छी हैं क्योंकि लोग बायस नहीं होते हाई स्कूल तक। लेकिन फिर हमारे को एक और आइडिया देता है, एक और रिसर्चर का आइडिया देता है जिसके अंदर हमारे को पता चलता है कि बच्चे एक्चुअली इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारी अभी जो टेक्स्ट बुक्स की जो स्थिति है या जो कंडीशन है उससे राइटर ज्यादा खुश नहीं है। और फाइनली स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो पहला पैराग्राफ है वो हमारे को एक आइडिया से इंट्रोड्यूस कर रहा है, और जो हमारे जो बाकी जो पैराग्राफ है नीचे वाला वो हमारे को क्या कर रहा है, वो हमारे को वेरियस रिसर्चेस बता रहा है, ठीक है, और उनको एक दूसरे के अंदर रख रहा है ताकि हम लोग खुद इवैल्यूएट कर सके कि आखिर में सच क्या है। तो देयर इज एन आइडिया एंड देन देयर आर अदर आर्ग्यूमेंट्स दैट इधर दैट आर कनेक्टेड टू आइडिया, या तो उसके साथ है या उसके खिलाफ है। अब हमारे पास है फाइनली क्वेश्चन आंसर्स। तो अब हमारे को पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लॉजिकली बी द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ इमीडिएटली फॉलोइंग द पैसेज। बेटा आपको राइट ऑफ द बैट एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। हमसे क्या बोला जा रहा है कि जो पैसेज है अगर उसके अंदर एक थर्ड पैराग्राफ होता तो वो पैराग्राफ किस बारे में होता। तो अब हम है ना हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा, और ये बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं कि हम सोचेंगे नेटिव अमेरिकन के बारे में है पैराग्राफ। लेकिन असल में बेटा लेट मी रिमाइंड यू एंड लेट मी एडवाइस यू कि हमेशा जब भी आप लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर वो लॉजिकल क्वेश्चन है मेन थीम के बारे में, ठीक है, और हमें पता है कि मेन टॉपिक इस सेंटेंस का या मेन थीम है एक्चुअली टेक्स्ट बुक्स के अंदर बायस, ठीक है, तो जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है इनके किस तरह से प्रेजुडाइजेस बढ़ते हैं इसके बारे में है ये पूरा पूरा पैसेज। और ये हमें कैसे प्रूफ करता है, हम ये पैसेज प्रूफ कर सकते हैं सेकेंड लाइन से। सेकेंड लाइन रीड करती है, हमारी रिसर्च सजेस्ट हाउएवर दैट टेक्स्ट बुक्स दैट एड्रेस द प्लेस ऑफ नेटिव अमेरिकन विद इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिस्टॉर्ट हिस्ट्री टू सूट अ पर्टिकुलर कल्चरल वैल्यू सिस्टम। इसका मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो हमारे बायसेस को नेटिव अमेरिकन के खिलाफ बढ़ा रही हैं, या स्टीरियोटाइप के एक फॉर्म में नेटिव अमेरिकन के हमारे जो कॉन्सेप्ट है या आइडिया है उसको ढाल रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि पहला पैराग्राफ हमें इस आइडिया से इंट्रोड्यूस करता है और दूसरा पैराग्राफ आर्ग्यूमेंट देता है इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कि किस तरीके से जो राइटर सोच रहा है वो सच है, तो ऑफ कोर्स हमारा लॉजिकल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि थर्ड पैराग्राफ के अंदर क्या होगा, स्पेसिफिक वेज टू इवेल्युएट द बायसेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। तो ये है एक तरह का लॉजिकल क्वेश्चन जो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। फिर हमारे अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज के बारे में। हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टाइम ऑफ कोर्स ये पर्पस पहले ही पता कर ली थी कि नेटिव अमेरिकन्स को प्रिजुडिस करा जाता है जो हमारे टेक्स्ट बुक्स है उनके अंदर, हम हमेशा किसके सेंट्रिक होते हैं, इस ग्रुप की तरफ, यानी यूरोसेंट्रिक, यस। और ये नेटिव अमेरिकन की जो आइडेंटिटी है हम उसको डिस्टॉर्ट करते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है, ये है हमारा पर्पस। और ये गलत है क्योंकि मेन पर्पस क्या है हमारे राइटर का कि बच्चे जिनको बिल्कुल जो भी सॉफ्ट माइंडेड होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा गलत तरीके से इन नेटिव अमेरिकन कल्चर की तरफ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिससे पूरी लाइफ वो इनको खराब या इंफीरियर समझ सकते हैं। तो हमारे को सबसे पहली लाइन जो हमारे को पर्पस के बारे में बताती है वो आती है ऑफ कोर्स फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, जिसके अंदर ये पूछा गया है कि टेक्स्ट बुक्स आर स्टीरियोटाइप, यस, एंड डेप्रिकेट द न्यूमरस नेटिव अमेरिकन कल्चर्स व्हाइल रीइंफोर्सिंग द एटीट्यूड दैट द यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड डिनोट्स द सुपीरियरिटी ऑफ द यूरोपियन कल्चर्स। और हमको ये भी पता है कि चिल्ड्रन एटीट्यूड्स आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड, इसके बारे में भी बात हुई है इस पैसेज के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे वो देखूं तो ऑफ कोर्स डिस्क्राइब इन डिटेल वन रिसर्च स्टडी, तो बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है, जबकि डिस्क्राइब रिविजन दैट शुड बी मेड के बारे में बात नहीं हुई है, डिस्कस द डिफिकल्टी ऑफ प्रेजेंटिंग एन एक्यूरेट हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात नहीं हो रही है।
आर्ग्यू द टेक्स्ट बुक्स यूज इन स्कूल स्टीरियोटाइप नेटिव अमेरिकन्स और फिर समराइज वे इन विच सम टेक्स्ट बुक गिव डिस्टॉर्टेड पिक्चर्स। अब देखिए बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, डी और ई काफी क्लोज है, बट मेन पर्पज हमारा क्या है पैसेज के? पैसेज का ये नहीं है कि नेटिव अमेरिकन ग्रुप्स की तरफ डिस्टॉर्शन हो रहा है या पॉलिटिकल सिस्टम्स बिल्ट हो रहे हैं, ठीक है? हमारा मेन पैसेज क्या है कि टेक्स्ट बुक्स बच्चों को ब्रेन वॉश कर रही है नेटिव अमेरिकन कल्चर्स के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सबसे करेक्ट आंसर। फिर अगर मैं आपसे बात करूं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, वो पूछता है द ऑथर मेंशंस टू रिसर्च स्टडीज इन लाइन 22 to 25। तो सबसे पहले हमको पता है कि रिसर्चर्स किस बारे में बात कर रहे हैं, कि बच्चे, हाँ कि बच्चे कितने इंटेलिजेंट होते हैं और कितना ज्यादा टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करते हैं या कितना टू द टी उन्हें फॉलो करते हैं, टेक्स्ट बुक्स कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है बच्चों को। तो जिन लाइनों के बारे में बात हो रही है वो लाइन है ये, टू रिसर्चर्स फॉर एग्जाम्पल हैव कंडक्टेड स्टडीज दैट सजेस्ट दैट चिल्ड्रंस एटीट्यूड्स अबाउट पर्टिकुलर कल्चर आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्स्ट बुक्स यूज्ड इन स्कूल्स। ओके बेटा, जो लाइन वाले आपके पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बारे में मैं आपको बहुत स्पेशल बात बताना चाहूंगी कि बेटा यू नीड टू लिटरली काउंट द लाइन्स अगर आपसे लाइन्स पूछी जा रही हैं। और लाइन्स का मतलब फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप नहीं है, लाइन्स का मतलब है आपके पैराग्राफ जो आपको पैसेज दिया हुआ है उसके अंदर जो लाइन्स जा रही हैं उसके हिसाब से। एंड नेवर नेवर ऑन एनी बेसिस ये सोचना कि तुम्हारी गलती गलत है या ये बीच में आ गई, ये तो बीच में है लाइन सेंटेंस के, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। लाइन आपको जिस लाइन पे आपका नंबर रुकता है उसी लाइन के बारे में आपसे बात करी जा रही है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो फिर अब हमारे पास है ऑफकोर्स टू रिसर्चर्स के बारे में बताया गया है जो कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रंस एटीट्यूड है वो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है? तो हमसे पूछा इस क्वेश्चन में गया है कि ऑथर ये मेंशन क्यों कर रहा है इन दोनों का नाम, ठीक है? अगेन बेटा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको ना ही सिर्फ आंसर सही, आपको सिर्फ रीडिंग करनी है कॉम्प्रिहेंशन की ढंग से, पर क्वेश्चंस को भी समझने की पूरी कोशिश करना। असल में इस सेंटेंस का डायरेक्ट कनेक्शन है जो उससे पहले आता है, ठीक है? यह आ गया हमारा सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि वन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट माई कंटेंशन असर्ट्स दैट बाय नेचर टेक्स्ट बुक्स आर कल्चरली बायस्ड एंड दैट आई एम सिंपली अंडर एस्टिमेटिंग चिल्ड्रंस एबिलिटी टू सी थ्रू दीज बायसेस। तो ऑफकोर्स हमारे को क्या बताया जा रहा है कि एक क्लेम है, क्लेम नंबर वन, कि बच्चे बायस को पहचान सकते हैं, और ये दूसरा क्लेम है जो उसे काउंटर कर रहा है कि बच्चे बायस को नहीं पहचान सकते, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉट एवर दे आर रीडिंग। तो अब हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन देखना है कि सबसे ज्यादा क्या होगा, ऑफकोर्स टू काउंटर द क्लेम दैट चिल्ड्रन आर एबल टू सी थ्रू स्टीरियोटाइप्स इन द टेक्स्ट बुक, ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारे पास जो ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द कंटेंट ऑफ द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, ऑफकोर्स वर्ड्स कंटेंशन बहुत बार फील हुआ है, yes? तो हम जानते हैं कि असल में राइटर क्या है, ही डेफिनेटली डिसप्रूव्स, yes? ही सेइंग आई डोंट लाइक इट, बू बू आई हेट हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, और हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स गलत है। तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ई ऑफ डिसप्रूवल, yes? इंडिफरेंस का मतलब होगा बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, अम्यूजमेंट का मतलब होगा ऐसे वर्ड्स जो कि मजाकिया होते हैं या फिर आपको ऐसी लाइनें बोली जाएंगी जो आपको हंसाएं। हेजिटेंस का मतलब होगा कि ज्यादा ज्यादा मतलब बात नहीं करना चाहते हैं इस बारे में जो राइटर है। और न्यूट्रैलिटी का ऑफकोर्स इंडिफरेंस जैसा मतलब ही होगा, बट रादर दैन इंडिफरेंस जिसमें राइटर को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, न्यूट्रैलिटी वुड बी कुछ भी हो आई एम स्टैंडिंग ऑन माई ग्राउंड, ठीक है? फिर फाइनली वी हैव इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एज अ रिसर्चर्स मेंशनड इन लाइन 19। ओके, तो लाइन 19 कौन सी लाइन है? यस, आर इन हाई स्कूल दे नो दे कैन नॉट टेक टेक्स्ट बुक्स लिटरली वुड बी मोस्ट लाइकली टू एग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब बेटा याद रखना, रिसर्चर्स उन रिसर्चर्स की बात कर रहे हैं जो इस लाइन के अंदर बोले गए हैं, ठीक है? तो अब हमें पता है कि जो रिसर्चर्स इस लाइन में बोले गए हैं वो ये मानते हैं कि हाई स्कूल तक बच्चा ये जान जाता है कि उसे कौन से बायसेस को ध्यान से देखना है और कौन सी चीजें बस झूठे बायस हैं या प्रिजुडिसेस हैं या स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है? तो
डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी वुड बी द मोस्ट करेक्ट आंसर. फॉर द मोस्ट पार्ट सीनियर्स इन हाई स्कूल नो दैट टेक्स्ट बुक्स कैन बी बायस्ड. यह हमारे को किससे पता चलता है? इस उससे कि वन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट माई कंटेंशन असर्ट्स दैट बाय नेचर टेक्स्ट बुक्स आर कल्चरली बायस्ड. तो ये है वो रिसर्चर्स जिनसे जिनके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है. तो क्वेश्चन को समझिए बेटा, ये लोग जो इन दो चीजों को मानते हैं वो किस चीज से हाँ करेंगे? दैट ऑफ कोर्स कि हाई स्कूल में बच्चे आर स्मार्ट इनफ. देन द ऑथर इंप्लाइज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इफ टेक्स्ट बुक्स आर नॉट नॉट केयरफुली रिव्यूड. तो ऑफ कोर्स द आंसर वुड बी कि जो नेटिव अमेरिकन हैं उनके कल्चर को हम पहचान नहीं पाएंगे और ऐसी चीजें होंगी. Why? ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा नेटिव अमेरिकन को इस नजरिए से देखते हैं? क्यों हमें ऐसा नहीं लगता कि नेटिव अमेरिकन कैन बी क्वाइट नॉर्मल? ऐसे एबनॉर्मल सर पे कौवा लेकर ही क्यों हमारे नेटिव अमेरिकन हमेशा, अगर आप हॉलीवुड की फिल्में भी देखेंगे तो उसके अंदर नजर आते हैं. बिकॉज दिस इज आवर स्टीरियोटाइप. तो ऐसी ही चीजें बनती रहेंगी फ्यूचर के अंदर. तो चिल्ड्रन विल फॉर्म नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स ऑफ नेटिव अमेरिकन इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर. बाकी चीजों को अगर हम देखें जो हमारे हमें जो बाकी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो पैसेज से रिलेटेड है बेटा. इन क्वेश्चंस पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ये पैसेज से रिलेटेड है ठीक है, लेकिन उस बारे में नहीं है जिस बारे में पैसेज है. यूरोपियन सेटलर्स की कॉन्क्वेस्ट के बारे में नहीं. हमारे लूज देयर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज बायसेस भी सही है लेकिन पैसेज से रिलेटेड नहीं है. और इथनोसेंट्रिज्म और टेकिंग टेक्स्ट बुक सीरियसली रिलेटेड आइडियाज है लेकिन पैसेज से रिलेटेड नहीं है. सबसे हमारा कोर आइडिया क्या है? दैट चिल्ड्रन विल फॉर्म अ नेगेटिव स्टीरियोटाइप ऑफ नेटिव अमेरिकन्स. अब हम जो सेकंड पैसेज स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर दो तीन चीजें आप याद रखिएगा. कई बार आपको ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा. तो बेटा ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी मीनिंग सुधारिए, लेकिन अगर कभी भी पैसेज के अंदर हमें कोई मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो उस वक्त के लिए हम उस वर्ड को वहीं छोड़ देंगे. हम सिर्फ उस वर्ड को लिटरली लेंगे या वो वर्ड क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन करते वक्त? पैसेज को एनालाइज कर क्वेश्चन को सही सही आंसर करना ठीक है. जब तक पूरा हमारे सर पर ही ना आ जाए कि वो क्वेश्चन तो उस वर्ड के मीनिंग के बगैर सॉल्व ही नहीं हो सकता, तब तक इट्स बेटर कि हम उस वर्ड को रहने दें. उसके अलावा ये जो पैसेज है इट इज बेसिकली अबाउट रिलेशनशिप्स ठीक है. तो हमको ये देखना है कि एक आइडिया को किस तरीके से डेवलप करा जा रहा है, या फिर जो ये वर्ड मैं आपको फ्यूचर में बहुत बार यूज करूंगी स्ट्रिंग ऑफ थॉट. एक पैसेज के अंदर क्या है या थॉट किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ठीक है. तो अब हम पैसेज, तो ये जो हमें पैराग्राफ दिया गया है ये है नेकेड मोल रैट के बारे में. ये पैराग्राफ ये बताता है कि नेकेड मोल रैट एक लौते वर्टिब्रेट्स हैं, जिसका मेन आइडिया है पैराग्राफ का वो ये है कि वर्टिब्रेट्स यानी बैकबोन वाले क्रीचर्स. तो ये नेकेड मोल रैट एक लौते बैकबोन वाले क्रीचर्स हैं जो कि किसकी तरीके से है? इंसेक्ट्स की तरीके से, यानी एंट्स और बीस की तरीके से, बिकॉज दे आर इओसोशल. इओसोशल का क्या मतलब होता है कि आप अपनी सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की जो पावर होती है उसको आप सेक्रीफाइस कर देते हैं किसके लिए? दूसरों के लिए, यानी अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए ठीक है. फिर आगे हमें बताया जाता है कि किस तरीके से जो क्वीन है नेकेड मोल रैट की वो बिल्कुल बीस की तरह पूरे हाइव को कंट्रोल करती है, और जो बाकी जो रैट्स होते हैं वो असल में वर्कर्स, कई बार फूड इकट्ठा करने वाले, इन सब लोगों की तरह काम करते हैं. देन हमको ये बताया जा रहा है कि जो हमारे यो सोशल इंसेक्ट सोसाइटीज हैं वो किस तरीके से हमारी वर्टिब्रेट यो सोशल सोसाइटीज यानी नेकेड मोल रैट की सोसाइटी से अलग होती है. यस, कि नेकेड मोल रैट का जो अपना पूरा सिस्टम है वो थोड़ा बहुत अलग होता है कंपैरेटिवली यो सोशल इंसेक्ट्स की तरह. और फाइनली हमारे को एंड में वाइल्ड डॉग का एग्जाम्पल देकर ये बताया जा रहा है कि नेकेड मोल रैट्स आर वेरी यूनिक इन द कम्युनिटी सिस्टम दैट दे फॉलो, यानी लिटरली वर्टिब्रेट्स के अंदर नेकेड मोल रैट जैसा जो सिस्टम है उसको कभी भी फॉलो नहीं करा जाता, स्पेशली व्हेन इट इन रिगार्ड टू ब्रीडिंग ओके. अब हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से पहला आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. बेटा अब यह मोस्ट एक्यूरेटली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज के हर जो हमारे पास ऑप्शन है वो आइडिया को स्टेट कर रहा है ठीक है. क्योंकि
ऑफकोर्स दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेकेड मोल कॉलोनीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑपरेटिव ब्रीडिंग, ऑफकोर्स दे हैव सोशल ऑर्गेनाइजेशन विद अ रिजिड कास्ट सिस्टम, ऑफकोर्स दे आर मेटिंग हैबिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट्स, बट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज नॉट दैट। ठीक है, मेन आइडिया को हमेशा हम स्टिक करेंगे, इसलिए हमारे को बहुत समझना जरूरी है। मेन आइडिया है हमारा बीज और एंट्स, यो सोशल इंसेक्ट्स है, और जो हमारा नेकेड मोल रैट है, हाँ थोड़ा डरावना दिखता है बट बिलीव मी ही इज अ इट्स अ यूनिक क्रीचर, तो दे आर क्वाइट सिमिलर टू देम। यस, तो हमारा सबसे ज्यादा सही आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहेवियर इन नेकेड मोल रैट कॉलोनीज में वेल बी अ क्लोज वर्टिब्रेट एनालॉग टू बिहेवियर इन यो सोशल इंसेक्ट सोसाइटीज। अगर इस आंसर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो मैं अगेन आपको एडवाइस दूंगी कि फर्स्ट थ्री लाइनें आपकी पैसेज की आपको 90% टाइम सही आंसर देंगी। ठीक है, 10% टाइम्स जो मेन आइडिया है वो नीचे भी कनेक्ट हो सकता है। फिर हमारे पास है द पैसेज सजेस्ट दैट जार्विस इज वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल्स पे वर्क आ गया, मैंने कहा था हमने वर्ड पढ़ा था जार्विस पैसेज के अंदर, सो हम जार्विस पे वापस जाएंगे। जार्विस क्या कहता है, ओके जार्विस इज वर्क हैज सजेस्टेड दैट डिफरेंस इन ग्रोथ रेट्स में इन्फ्लुएंस द लेंथ ऑफ टाइम दैट एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स अ टास्क रिगार्डलेस ऑफ इट्स एज। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, हैज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स फॉर नेकेड मोल रैट बिहेवियर। तो साइज क्या, यहाँ पर ऑफकोर्स रिगार्डलेस ऑफ इट्स एज बोला गया है, तो ऑफकोर्स क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि एज। क्या मतलब है इस सेंटेंस का, कि एज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जार्फिसिस के कारण, जार्फिसिस की रिसर्च के अनुसार। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी की एज को डिस्क्वालिफाई कर हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, इन्फर्ड का मतलब होता है पैसेज से समझा जा सकता है, दैट द पैसेज दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क इन नेकेड मोल रैट कॉलोनीज डिफर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास, डिफर्स फ्रॉम द टास्क परफॉर्मेंस इन यू सोशल इंसेक्ट सोसाइटीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब आपको अगर याद हो तो पैराग्राफ थर्ड का अगर हम स्ट्रक्चर पे जाएं क्या मतलब था, वो हमें बता रहा था कि किस तरीके से जो हमारे नेकेड मोल रैट्स हैं वो इंसेक्ट्स और एंट्स, बीज और एंट्स के अलग हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेकेड मोल रैट है, हाँ क्यूट, चाहिए आपको याद है किम पॉसिबल अगर आपने देखा हो किसी ने भी, तो ये क्रीचर असल में है नेकेड मोल रैट। यस, तो डिफरेंट कैसे होते हैं, ये लाइन हमारे को अगर मैं आपको रीड करूं तो यहां पर जाती है, इन नेकेड मोल रैट सोसाइटीज ऑन द अदर हैंड डिफरेंसेस इन बिहेवियर आर रिलेटेड प्राइमरली टू रिप्रोडक्टिव स्टेटस। ओके, रिप्रोडक्शन बीइंग लिमिटेड टू द क्वीन ऑफ अ न्यू फ्यू मेल्स, बॉडी साइज एंड परहैप्स एज। तो यहां पर तीन चीजों की बात हुई है, रिप्रोडक्टिव स्टेटस, बॉडी साइज एंड एज। ठीक है, अब ऑल टास्क आर परफॉर्म्ड कोऑपरेटिवली, हाँ होती है। देन यहाँ पर अगर हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन पे जाएं तो ब्रीडिंग इज लिमिटेड टू द लार्जेस्ट एनिमल, यस, रिप्रोडक्शन इज लिमिटेड टू अ फीमेल सिंगल फीमेल, एंड ऑफ कोर्स द टास्क इज बेस्ड ऑन बॉडी साइज, क्योंकि अगर आपको पैसेज याद हो तो हमें सब बताता है किस तरह से फीमेल्स लड़ती है, हमें ये भी बताया गया है कि किस तरह से फीमेल सबसे लार्जेस्ट होती है मोल रैट में भी, यस और हमें ये भी बताया गया है कि जो सबसे लार्जेस्ट जो हमारे मोल रैट जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनके वर्क्स चेंज होते जाते हैं, कि छोटा कलेक्ट करेगा फ्रूट, जो बड़ा मोल रैट होगा वो प्रोटेक्ट करेगा कॉलोनी को। तो यहाँ पे हम क्या मिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं बॉडी शेप। तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट, दैट इन नेकेड मोल रैट्स द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क इज लेस रिजिडली डिटरमिंड बाय द बॉडी शेप, दैट्स वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट। According to the passage, which of the following is a supposition? Supposition का मतलब we are supposing. इसका मतलब है कि कोई चीज जो सिर्फ हम सोच रहे हैं सच है और असल में सच नहीं है, या फिर हमें पता नहीं कि वो सच है कि नहीं। Concerning the queen, queen के बारे में बात हो रही है in naked mole rat colony. ठीक है, अब बेटा ये question बड़ा typical question है जो हम करते हैं solve reading comprehension में, they are based on details. ठीक है, और डिटेल्स सिर्फ पैसेज की नहीं बल्कि वर्ड मीनिंग्स की। तो अगर आपको याद हो तो हमारे पैसेज में ये लाइन आई थी, हर ब्रीडिंग स्टेटस थ्रू अ मिक्सचर ऑफ बिहेवियरल एंड प्रिज्यूमेबली केमिकल कंट्रोल।
तो वर्ड प्रिज्यूमबली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस वर्ड का यहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, दैट हम सिर्फ सपोज कर सकते हैं कि केमिकल कंट्रोल भी कहीं पर काम आता है क्वीन को, क्वीन किस तरह से पूरी कॉलोनी को चलाती है. तो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, शी एक्सर्ट्स केमिकल कंट्रोल ओवर द कॉलोनी. दिस इज नॉट अ फैक्ट बट वी आर ओनली प्रिज्यूमिंग और सपोजिंग दैट दिस इज ट्रू. So the passage supports which of the following inferences about, again inferences word. Yaad rakhiye, iska matlab hai implicational question hai ye, about breathing among Lycaonictis. Lycaonictis. Okay. To Lycaonictis main aapko dikha deti hu. In other words, a wild dog. This is Lycaonictis. Okay. So these are very cute wild dogs. To इसके बारे में हमारे किस सेंटेंस के अंदर बात हुई थी, अगर हम स्ट्रक्चर में जाएं तो ऑफ कोर्स फोर्थ पैराग्राफ के अंदर द वर्ड द सेंटेंस वाज मोस्ट कोऑपरेटिवली ब्रीडिंग वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट द वाइल्ड डॉग Lycaonictis आर डोमिनेटेड बाय अ पेयर ऑफ ब्रीडर्स रादर देन बाय अ सिंगल ब्रीडिंग फीमेल. तो ऑफ कोर्स यहां पे अ पेयर ऑफ ब्रीडर्स के बारे में बात हुई है, तो हमारे पास है ब्रीडिंग इज नॉट डोमिनेटेड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ डॉग्स. Why? Because they are not dominated by a pair of breeders except word. यहां पर आ रहा है हमारे पास. तो ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स हैं वो किस तरह से ब्रीड करते हैं, दे आर डोमिनेटेड बाय अ पेयर ऑफ ब्रीडर्स. यानी एक कपल होता है जो पूरे सब वर्टिब्रेट्स को डोमिनेट करता है, द किंग एंड हिज क्वीन. एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट इनके. तो वी हैव ऑप्शन नंबर ई, breeding is not dominated by a single pair of dogs. Then we have, according to the passage, naked mole rat colonies may differ from all known vertebrate groups in which of the following ways. To abhi ye kehna chahte hain ki kis tarike se jo naked mole colonies hain wo alag hain baki sare groups se. Yes. तो लाइन हमारे को यहां पे है, अंटिल रिसेंटली साइंटिस्ट डिड नॉट नो ऑफ क्लोज वर्टिब्रेट एनालॉग टू द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एल्ट्रुइज्म यस ऑब्जर्व्ड इन यूसोशिकल इंसेक्ट्स. तो लेकिन मोल क्वालिटीज क्यों अलग है, बिकॉज दे हैव एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एल्ट्रुइज्म. ठीक है, याद रखिएगा बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसको हम कहेंगे रिफ्रेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन असल में रिफ्रेज ही है कि व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस सेंटेंस ऑफ दिस पैसेज. तो वी हैव ऑफ कोर्स रिफ्रेजिंग कि असल में किस तरह से अलग है, बिकॉज देयर एक्सट्रीमली एल्ट्रुइस्ट. एल्ट्रुइज्म का आपको मतलब पता हो, नहीं पता हो, अगर आपने हमें नोट करे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको. वैसे एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली सेल्फलेस होना. ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे हमको पूरा का पूरा लिटरली इन्होंने कोट कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. देखिए कितना खुश है हमारा ये प्यारा सा मोल रहा. वन फंक्शन ऑफ द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज टू. अब हम आपको याद है हमारे पास चार पैराग्राफ है, तो उनमें जो थर्ड पैराग्राफ है उसका क्या फंक्शन है ये हमें पूछ रहे हैं. बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली आपसे स्ट्रक्चर ऑफ दिस पैसेज के बारे में पूछ लिए जाएंगे. तो फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है वो बता रहा है कि ऑफ कोर्स दिस बी एंड दिस वर्टिब्रेट आर क्वाइट सिमिलर. ठीक है, सेकंड पैराग्राफ हमको क्या बता रहा है, ये हमें फर्स्ट पैराग्राफ बता रहा है ये चीज. सेकंड पैराग्राफ हमें बता रहा है हाउ दे आर सिमिलर. ठीक है, थर्ड पैराग्राफ का क्या काम है, थर्ड पैराग्राफ हमें ये बताता है कि दिस क्रीचर द मोल रैट इज एक्चुअली अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द बी. यस, तो वो कितना डिफरेंट है, या किस किस चीजों के अंदर डिफरेंट है, या किन किन चीजों के अंदर सिमिलर है, ये चीज हमारे को बताई जा रही है इस पैराग्राफ के थ्रू, थर्ड पैराग्राफ के थ्रू. तो स्टेट ऑफ कंक्लूजन अबाउट फैक्ट्स ये थर्ड पैराग्राफ नहीं कर रहा. इंट्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन दैट इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय इन्फॉर्मेशन इन द फोर्थ पैराग्राफ, ये भी ये काम नहीं कर रहा. शो द चेन ऑफ रीजनिंग नहीं. एंड डिमॉन्स्ट्रेट द थ्री एक्सप्लेनेटरी फैक्टर्स बिल्कुल नहीं. कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हो रहा, कोई कंक्लूजन नहीं हो रहा है, बल्कि ऑप्शन नंबर सी होगा सबसे ज्यादा सही. क्वालिफाई द एक्सटेंट टू विच टू प्रीवियसली मेंशन ग्रुप माइट बी सिमिलर. इंसेक्ट्स और हमारा मोल रैट, वो कितने एक्सटेंट
टेन तक सिमिलर है ये हमें बताया जा रहा है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर में बताया गया कि कितना ज्यादा सिमिलर था, और थर्ड पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि छोटा मोटा क्या डिफरेंट है, तो यानी क्या लिमिट है उनकी सिमिलैरिटी की। यस, तो हमारे पास है बी और हमारे पास है मोल रैट, और इन दोनों की एक्सटेंट तब तक ये सिमिलैरिटी, जब तक ये सिमिलर है, हमारे को ऑप्शन नंबर सी के अंदर बताया जा रहा है। अब जो पैसेज करने वाले हैं वो पैसेज काफी इजी है अगर आप उसकी इंप्लीकेशंस को समझ जाएं, ठीक है। हमेशा इस पैसेज के अंदर जो दिखेगा वो नहीं होगा, कई बार इम्प्लाइड चीजें भी पैसेजेस के अंदर हमारे को बोल दी जाती हैं, ठीक है। या क्वेश्चन में उन चीजों को, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के अंदर देखा था, रिफ्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये चीज याद, अब ये जो हमें पैराग्राफ दिया गया है ये हमारा एक क्लासिक, ठीक है, एग्जाम्पल कि एक यहां पर एक चीज बोली गई है और फिर सेकेंडली इस चीज के ऊपर किसी और चीज के इफेक्ट की बात करी गई है, ठीक है। अब ऐसे जो हमारे जो पैराग्राफ होते हैं इसके अंदर मैंने आपको कहा था 10% ऐसे हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन आ सकते हैं जिनके अंदर हमारे को जो मेन टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन का वो फर्स्ट थ्री लाइनों में नहीं मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन के, कि वैसे पैराग्राफ है, क्योंकि द मेन टॉपिक वुड बी दिस पैराग्राफ प्लस दिस पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ किस बारे में है? पैराग्राफ है कोरल रीफ के बारे में। हम जानते हैं कोरल एक तरह का क्रीचर होता है जो कि रीफ्स बनाता है या एक झुंड में रहता है जो कि मोस्टली पत्थर जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो हमें ये पैराग्राफ ये कह रहा है दैट देयर यू नो इकोसिस्टम इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पैराडॉक्सिकल। व्हाई? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं पानी में लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में लाइफ और बहुत तरीके तरीके के क्रीचर्स वहां पर पाए जाते हैं इन कोरल रीफ्स के अंदर, ठीक है। कैसा क्यों होता है? व्हाई? क्योंकि वहां पर एक एल्गी होती है जो कोरल्स के अंदर रहती है, यानी उनके टिश्यूज के अंदर पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं जूऑक्सिथेलिक, ठीक है। यह एल्गी क्या करती है? कोरल का जो मेटाबॉलिज्म जो वेस्ट होता है उसी को रीयूज करती है और उसको उसके थ्रू करती है फोटोसिंथेसिस। और हम जानते हैं कि मेटाबॉलिकल वेस्ट का क्या मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, यस, उसको यूज करती है वो ऑक्सीजन बनाने के लिए, यस। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरे के सारे सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रीयूज हो जाते हैं अगेन एंड अगेन। इस कारण से हमारी कोरल रीफ्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से खुद के वेस्ट से खुद के लिए न्यूट्रिएंट्स खुद ही बना लेती है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप देखिए सेकंड पैराग्राफ के अंदर हो जाता है मूड चेंज। हमें पता चलता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या हो रहा है, ह्यूमंस ने क्या गड़बड़ कर दी है, वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं पानी को। अब जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे पानी में तो क्या होगा, बाहर की जो एल्गी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी अबंडेंस में, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स आ जाएंगे जो कि एल्गी पे हमला करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, कोरल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो पूरा उनका वाइल्ड जो सिस्टम है फूड चेन वो गड़बड़ा जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। और इसका हम किसको रीजन बना सकते हैं कि एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में मिलाए जा रहे हैं, किनके कारण, हमारे कारण, हम लोग हैं जो कि अपने लालच के अंदर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले हमसे पूछा गया था पैसेज इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद, यस, वेरी गुड, याद रखिए यह कोरल रीफ। और मैंने आपको बोला हमारा प्राइमरी कंसर्न क्या होगा, पोर्ट्स ऑफ द पैसेजेस के बारे में हमारे को आइडिया मिलना चाहिए। तो ऑफ कोर्स हमारा प्राइमरी कंसर्न है एक्सप्लेनिंग हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज, यस, यह है खूबसूरत कोरल रीफ और यह है ह्यूमन एक्टिविटीज। तो हम कोरल रीफ को इस दुनिया की तरह खा रहे हैं बिकॉज वी आर इविल, बिकॉज वी आर काइंड ऑफ ग्रीडी, यस। तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लेनिंग हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर पोजिंग अ थ्रेट टू कोरल रीफ कम्युनिटीज। अब बेटा याद रखो प्राइमरी कंसर्न भी एक रीफ फेज है जो हम कह रहे हैं मेन टॉपिक के बारे में, ठीक है। लेकिन ऐसे भी हमारे जो पैराग्राफ होता है उनके अंदर क्या होता है, पैरा वन प्लस पैरा टू से हमारा बनता है मेन टॉपिक, यस। तो कोरल रीफ के बारे में हमारे को बात करी थी पैराग्राफ वन में, फिर हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर पोजिंग थ्रेट के बारे में बात करी है पैराग्राफ टू के अंदर, ठीक है। Then we have the passage suggests which of the following about coral reef communities. तो coral reef communities के बारे में क्या suggestion दिया जा रहा है यहाँ पर,
कोरल रीफ कम्युनिटीज में एक्चुअली बी मोर लाइकली टू थ्राइव इन वाटर्स दैट आर रिलेटिवली लो इन न्यूट्रिएंट्स. द न्यूट्रिएंट्स ऑन विच कोरल रीफ कम्युनिटीज थ्राइव आर ओनली फाउंड इन शेलो वाटर्स. कोई ऐसा सजेशन नहीं है, बिल्कुल इस बारे में बात नहीं हो रही है पैराग्राफ के बारे में. ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ हैज लेड टू चेंजिंग ओशन टेम्परेचर्स, नहीं, जबकि न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करी गई है, तो ये भी होगा गलत. देन वी हैव द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ कम्युनिटीज टेंड टू डिस्टेबलाइज, नहीं, दे स्टेबलाइज. एंड देन कोरल रीफ कम्युनिटीज आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स देन मोस्ट इकोसिस्टम्स लोकेटेड ऑन ड्राई लैंड. यस, दे आर डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स, लेकिन मेन चीज हमारे को अगेन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. हमें क्या बताया जा रहा है कि जो कूड़ा करकट हम फेंक रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है. अनफॉर्चुनेटली फॉर कोरल रीफ्स हाउएवर अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉजिंग वर्ल्ड वाइड डिग्रेडेशन ऑफ शैलो मरीन हैबिटेट्स बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द वाटर. यस, तो कोरल रीफ कम्युनिटीज के बारे में क्या हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं इस पैराग्राफ से. बिल्कुल सही चीज जो प्रूफ हो सकती है वो ये है कि कोरल रीफ कम्युनिटीज में एक्चुअली बी मोर लाइकली टू थ्राइव इन वाटर दैट आर रिलेटिवली लो इन न्यूट्रिएंट्स. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. देन वी हैव द ऑथर्स रेफर टू फिल्टर फीडिंग एनिमल्स. अब लाइन 20 कौन सी है, ये रही. टिपिकल सिम्टम्स ऑफ रीफ डिक्लाइन आर डिस्टेबलाइज्ड हर्बीवोर पॉपुलेशंस एंड एन इंक्रीजिंग अबंडेंस ऑफ एल्गी एंड फिल्टर फीडिंग एनिमल्स. तो किस लिए बात हो रही है, ऑफ कोर्स टिपिकल सिम्टम्स ऑफ रीफ डिक्लाइन के बारे में. तो प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ रीफ डिटोरेशन. तो वी हैव ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल. देन वी हैव अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट इज थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ कम्युनिटीज. ओके, तो वॉटर द इनहैबिटेड फ्यू न्यूट्रिएंट, नहीं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है, तो ये नहीं होगा आंसर. अ डिक्लाइन एंड न्यूट्रल, नहीं, बिल्कुल अगेन न्यूट्रिएंट्स तो हमेशा कम्युनिटी को कम ही चाहिए, कोरल रीफ कम्युनिटी को. इस आइडिया को इस पैसेज के लिए हम अपने दिमाग में बिठा लेंगे. तो द डिग्रेडेड वाटर्स ऑफ देयर मेरीन हैबिटेट्स हैव रिड्यूस्ड देयर एबिलिटी टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. इसको हम अभी तक पक्की तरीके से नहीं हटा सकते. एंड देन दे आर टू बायोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स, ये भी गलत है. हमने वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स के बारे में कहीं पे पढ़ा था. यस, ये देखिए किस तरीके से पहले ये ऐसी थी और अब ये ऐसे हो गई है. तो हमारे पास है एग्रीकल्चर स्लैश एंड बर्न, लैंड क्लियरिंग, सीवेज डिस्पोजल एंड मैन्युफैक्चरिंग दैट क्रिएट्स वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स ऑल इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स लोड इन दीज वॉटर्स. तो यहाँ पे हम पूरी तरीके से ऑप्शन नंबर ई को मान सकते हैं. वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स इनपुट. डेफिनेटली ये पैराग्राफ किस बारे में, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स का जो चेंज है वो कोरल रीफ कम्युनिटीज को ऐसे से ऐसे बना रहा है. Then we have it can be inferred from the passage that the author describes coral reef communities as, ये word आपको याद है, ये ऐसी details हैं जो आपको paragraph में skim करते through याद रखनी है, as paradoxical, most likely for which of the following reasons. क्यों? Because हमसे पूछा गया है, this ecosystem is one of the fascinating paradoxes of the biosphere. How to clear and thus nutrient poor water supports such prolific and productive communities. अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके पास ट्रिक है. आपको पता है ये पैराडॉक्सिकल बड़ा अजीब सा वर्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये छोटी सी डिटेल याद होगी. तो जाइए फिर से इस लाइन के ऊपर जहां इस वर्ड को पढ़ा गया था और इसे फिर से एक बार पढ़िए. तो ये लाइन हमसे क्या कह रही है कि they are paradoxical. Why? Because जबकि उनके पास कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कम खाना खाना होता है, कम उनके पास होती है सर्वाइव करने के लिए फूड रिसोर्सेस, बट दे आर स्टिल सर्वाइविंग. योर ऑप्शन नंबर सी, दे आर एबल टू सर्वाइव इन एन एनवायरमेंट विथ फ्यू और लिमिटेड फूड रिसोर्सेस. तो इन तीन कॉम्प्रिहेंशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो पहली चीज इंपॉर्टेंट है द आर्ट ऑफ स्किमिंग. यस, स्किम का मतलब होता है एक हल्की सी नजर मार लेना, लेकिन हल्की सी नजर का मतलब इतनी हल्की नहीं कि कुछ समझ ही नहीं आए. हल्की सी नजर का मतलब पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे, मेन थीम, यस, पर्पस, स्ट्रक्चर और टोन. मतलब मैं आपसे कह सकती हूं कि अगर आपको 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको कम से कम
12 13 क्वेश्चन तो सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो आपको चीजें याद रखने की जरूरत है वो है डिटेल्स के ऊपर। कम से कम आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे सिर्फ डिटेल्स से रिलेटेड, ठीक है। जो चीज पे आपको वर्क करना है वो है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1 सेंटेंस नंबर 2 से किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज हमको थोड़ी समझने की जरूरत है जो कि प्रैक्टिस से आएगी। अगर आप ये सब काम करते हैं और ऑफ कोर्स अपनी रीडिंग को मेंटेन रखते हैं, देन यू कैन इजली स्कोर 40 out of 40 असल में, और इस टेस्ट के अंदर 30 out of 30। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी बिल्कुल नई चीज है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो भी मेरे को लगता है आप लोग आराम से कोशिश करिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपके 20 से कम नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई है तो प्लीज उस पर वर्क करिए। मैं आपको आगे की वीडियोस में मोर ट्रिक्स बताती रहूंगी किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। बेटा याद रखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर मार्क्स आपको कॉम्प्रिहेंशन रीड करने के नहीं मिल रहे हैं, मार्क्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के मिल रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आपको 10 ही पूछे जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा एक कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो कभी भी अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ज्यादा लंबा मिले तो घबराना कभी नहीं है, क्योंकि मार्क्स आपको क्वेश्चंस पे मिल रहे हैं ना कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ओके, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।